गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हमारा ज्योग्राफी का 6th चैप्टर चल रहा है। हम इसका हाफ पार्ट कल डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। आई होप आप सभी बच्चों ने वीडियो देखी होगी और आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, कल हम क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर हम पढ़ चुके थे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री सॉरी। अब आगे देखिए बेटा, अब हम इसको अलग अलग करके डिस्कस करते हैं। आज देखिए सबसे फर्स्ट हमारा आता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में देखिए, एग्रो बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चर या कृषि पर आधारित जो उद्योग होते हैं, तो जिसमें क्या क्या आता है, कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, शुगर एंड एडिबल ऑयल, ये सारे किस में आते हैं, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आते हैं। अब हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आता है बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सबसे फर्स्ट में क्या आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल देखिए सूती वस्त्र उद्योग जिसे कहा जाता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर देखिए क्या आता है, जो वस्त्र उद्योग है वो देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई यूनिक पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी। बहुत पुराने समय से ही क्या बेटा, ये हमारे भारत की इकोनॉमी को की ग्रोथ करता आ रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। क्योंकि इसके द्वारा क्या है बेटा, इसका बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्या है, प्रोडक्शन होती है बहुत बड़ी लेवल के ऊपर, यहाँ पर क्या है, लोगों को रोजगार मिलता है और बहुत बड़े लेवल के ऊपर क्या है, हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रेलिएंट एंड कम्प्लीट इन द वैल्यू चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाइएस्ट वैल्यू एडेड। ये एक अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जिसके द्वारा हमारे भारत की जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से ग्रोथ करती है, बढ़ती है। ये थी क्या थी बेटा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, सेकेंड आती है बेटा कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल में देखिए, सेकेंड है बेटा कॉटन टेक्सटाइल। इसको देखिए, कॉटन टेक्सटाइल इन एंशियंट इंडिया, पुराने समय से आप सभी को पता है, कॉटन वर्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम। पुराने समय में क्या, सारा काम हाथ से होता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है, सारा काम मशीनों से होने लग गया। आफ्टर 18th सेंचुरी के बाद हमारे देश के अंदर बहुत तेज़ी से उन्नति की, और जो काम हाथों से होता था वो किससे होने लग गया, मशीनों से होने लग गया। नेचुरल सी बात है, मशीनों से काम होगा तो उसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग भी होगा वो, और उससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो पहले क्या था बेटा, जो इंग्लैंड जो हम शुरू से क्या है, उस समय क्या, अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर लगभग 200 सालों तक शासन किया था। तो जो अंग्रेज से वो हमारे देश से कच्चा माल ले जाते थे, और क्या करते थे वो, अपने इंग्लैंड ले जाकर वहाँ पर मशीनों से प्रोडक्शन करते थे, और तैयार माल को लाकर हमारे भारत के अंदर दुगने रेट के अंदर बेचते थे। मतलब दोनों तरह से वो अपना ही फायदा उठा रहे थे। तो क्या है, उस समय हमारे देश के अंदर मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था, मशीनें यूज़ नहीं की जाती, सारा काम मैनुअल होता था। लेकिन जब धीरे धीरे क्या है, इंडस्ट्रीज को की एस्टेब्लिश हुई, इनकी स्थापना हुई, तो क्या हमारे देश के अंदर भी उन्नति होने लगी। तो जो सबसे पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मशीन लगाई मिल लगाई गई थी वो मुंबई में 1854 के अंदर लगाई गई थी। ओके बेटा, आगे देखिए। अब तो जो कॉटन टेक्सटाइल होती है उसके अंदर देखिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे इसके अंदर देखिए कौन कौन से कार्य होते हैं इसके अंदर बेटा, जैसे गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिजाइनिंग, पैकिंग, टेलरिंग एंड सीइंग, ये सारे कार्य किसके अंदर होते हैं बेटा, ये कॉटन टेक्सटाइल के अंदर, मतलब कपड़ों से रिलेटेड जो कार्य हैं वो सारे कार्य हैं। इतने सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद क्या है, वस्त्र को, क्लोथ्स को, कपड़ों को तैयार किया जाता है। और सबसे पहले देखिए, जो सबसे ज़्यादा वाइल्ड स्पिनिंग कंटिन्यूस टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु,
वीविंग हाईली डेक्लेराइज टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइन ऑफ वीविंग कॉटन। और हमारे भारत के अंदर ना केवल कॉटन बल्कि सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी, इन सारे कार्यों पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, इनके अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, कॉटन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कार्य किया जाता था। एंड दी हैंड स्पन खादी, जो खादी जो गांधी जी की, जो गांधी जी ने जो जिसकी शुरुआत की थी, वो क्या है, वो उसे उसको क्या नाम दिया गया था, खादी का नाम दिया गया था। प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। बेटा जो खादी का जो कपड़ा था उसको, उसके द्वारा जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उसको सबसे अधिक बेनिफिट हुआ। कैसे, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है बेटा, जो वर्कर्स होते हैं वो अपने घरों के अंदर ही रहकर ही कार्य करते हैं। तो जो खादी उद्योग आया था उसके द्वारा क्या, सबसे अधिक जो कॉटेज इंडस्ट्री से उसको सबसे अधिक बेनिफिट हुआ था, क्योंकि उसके अंदर जो वीवर्स थे, बुनकर थे, वो क्या अपने घर के अंदर से ही इस कार्य को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे थे। ठीक है, आगे देखिए बेटा। अब जो इंडिया है, जो भारत है, वो धागा, यार्न का मतलब होता है बेटा धागा, या जिसे सूत भी कहा जाता है। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान, और जापान को सबसे अधिक मात्रा में धागे को या सूत को एक्सपोर्ट करता था। और इसके अलावा और कौन कौन से देश थे, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीका, इन सारी कंट्रीज के पास क्या, भारत का जो कच्चा सूत था या धागा था जिससे कपड़े तैयार किए जाते, वो इन सारे देशों को भेजा जाता था, और वो वहाँ से क्या है अपने आगे बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा वो उनसे वस्त्र या क्लोथ तैयार करते थे। क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो हाई क्वालिटी जो यार्न है वो क्या है, हमारे भारत के अंदर ही, अवर कंट्री, हमारे भारत में ही बहुत अधिक जो खाद है, वो मतलब जो सूत है, वो बहुत बहुत ही अच्छा सूत हमारे भारत के अंदर पाया जाता है। ये देखिए बेटा, ये मैप के अंदर आपको ये दिखाया गया कि कॉटन टेक्सटाइल, वूलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल, ये अलग अलग इनकी इंडस्ट्रीज दिखाई गई हैं, कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे देखिए बेटा, ये इसके अंदर यही बताया गया है कि जो हमारे भारत का जो सूत है, जो कच्चा माल है, बहुत ही अधिक वो अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हमारे भारत से बहुत सारे जो देश हैं वो हमारे भारत से कच्चे माल को खरीद कर वो अपने देश के अंदर वो उससे माल तैयार करते थे। ओके, आगे देखिए, अब नेक्स्ट आती है बेटा जूट टेक्सटाइल। नेक्स्ट टेक्सटाइल आती है जूट टेक्सटाइल। तो इसके अंदर देखिए, जूट में देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है, बांग्लादेश। सेकंड नंबर पे कौन आता है, जूट, हमारा भारत आता है। किसके अंदर, जूट टेक्सटाइल के अंदर। जूट क्या होता है बेटा, जूट टेक्सटाइल के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर किसका आता है, हमारे भारत का आता है। फर्स्ट नंबर किसका आता है, बांग्लादेश का आता है। और सेकंड नंबर किसका आता है बेटा, सेकंड नंबर पे कौन आता है, बांग्लादेश आता है। तो सबसे अधिक मात्रा में, सॉरी बेटा उल्टा बोल दिया है, फर्स्ट नंबर पे बांग्लादेश आता है, सेकंड नंबर पे भारत आता है। ओके, तो देखिए जूट टेक्सटाइल होती है पटसन उद्योग, जिसे पटसन बोला जाता है। तो जूट के अंदर देखिए, तो इसमें देखिए बेटा, मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। और जितनी भी मिल्स हैं जूट की वो कहाँ पे हैं, सब लगभग मोस्टली मिल्स कहाँ हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर हैं। और वेस्ट बंगाल में हुगली जो नदी है उसके, हुगली नदी के किनारे पर पाई जाती हैं, जहाँ पर क्या एक नैरो बेल्ट, एक पूरी बेल्ट, मतलब पूरी एक लाइन है यहाँ पर किसकी, जूट टेक्सटाइल मिल्स की यहाँ पर। तो जो सबसे पहली जूट मिल लगाई गई थी वो नियर कोलकाता इन 1858, रिश्रा, कलकत्ता के पास रिश्रा में 1855 में सबसे पहली जूट की मिल लगाई गई थी। आफ्टर पार्टीशन इन 47 द जूट मिल्स रिमेन्स इन इंडिया, बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोडक्शन एरिया वेंट टू बांग्लादेश। जब भारत का और बांग्लादेश का विभाजन हुआ 1947 में, तो जो जूट मिल्स थी वो तो हमारे भारत में रह गई, लेकिन जो 3/4 जूट का प्रोडक्शन एरिया, प्रोडक्शन वाला एरिया था, वो कहाँ चला गया, बांग्लादेश के अंदर चला गया, जब इसका डिवीज़न हुआ था बांग्लादेश का और भारत का। और इसके अलावा
जो जूट जूट के लिए क्या है बेटा, जो जूट है वो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में ही क्यों है, तो इसका इसके लिए क्या है, इस एरिया के अंदर ही सबसे ज़्यादा जूट की मिल क्यों लगाई गई है, तो देखिए क्यों, क्योंकि इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू मिल्स, अबंडेंट वाटर, रो जूट, चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड यूपी, कलकत्ता है जी देखिए, एंड प्रोवाइडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी फॉर गुड जूट गुड्स। तो देखिए बेटा ये सारी रीज़न थे जिसकी वजह से क्या है, जो जूट था वो जूट की जो जितनी भी मिल लगाई गई थी वो सारी कहाँ, कलकत्ता या वेस्ट बंगाल के अंदर कलकत्ता के पास लगाई गई थी, क्योंकि वहाँ पर क्या है ये सारी चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल हो गई थी। ओके, वहाँ पे लेबर भी वहाँ पर इजीली प्राप्त हो गई थी, उसके आसपास के जो स्टेट्स थे वहाँ से लेबर भी इजीली प्राप्त हो गई थी। आगे देखिए बेटा, चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड्स स्टफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स फ्रॉम अदर कंपटीटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। मतलब इन सब देशों के साथ क्या हमारे देश की क्या है कंपटीशन चल रहा था, प्रतिस्पर्धा चल रही थी, लेकिन फिर भी इंटरनल डिमांड हैज बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेज। लेकिन इसके अलावा, इन सब के अलावा भी हमारे भारत के अंदर क्या है, जो इंटरनल डिमांड हो रही थी जूट की, पर्सन की बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इसकी वजह से क्या है भारत के अंदर क्या है जूट जो इंडस्ट्री थी वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी। और मेन मार्केट्स कौन कौन सी थी, USA, कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, UK एंड ऑस्ट्रेलिया, इन सारे एरियाज के साथ क्या है हमारे भारत की डील रहती थी। ओके, ये था बेटा जूट का। नेक्स्ट आता है शुगर इंडस्ट्रीज। शुगर इंडस्ट्रीज में देखिए बेटा, शुगर इंडस्ट्रीज में क्या बताया गया है, शुगर इंडस्ट्रीज को देखिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है शुगर इंडस्ट्रीज। इंडिया स्टैंड सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड खांसरी। हमारा भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर तो सेकंड नंबर पर आता है, लेकिन किसमें, शुगर के प्रोडक्शन में, लेकिन गुड़ और खांसरी बनाने के अंदर भारत का कौन सा स्थान आता है, सबसे फर्स्ट आता है, फर्स्ट नंबर पर भारत गुड़ और खांसरी बनाता है सबसे अधिक मात्रा के अंदर। और रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्रीज बल्की एंड इन होगल इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। और इस गन्ने के अंदर देखिए बेटा, जो शुगर केन होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा होती है, सुक्रोज होता है, और उसकी वजह से क्या है उसी से ही शुगर प्राप्त किया जाता है। और जो मिल्स लगाई गई हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इन सभी एरियाज के अंदर क्या है शुगर की मिल्स लगाई गई हैं। एंड 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और टोटल जो जितनी भी मिल्स हैं उसका जो 60% है, 60% जो मिल हैं वो कहाँ पर लगाई गई हैं, यूपी में और बिहार में लगाई गई हैं। एंड दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर। और किस वजह से, वहाँ के नेचर की वजह से, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसकी वजह से वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा के अंदर शुगर की मिल लगाई गई हैं। ओके बेटा, क्योंकि इसके लिए क्या है वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो जो नेचर है, वो इसके ऊपर बहुत अधिक डिपेंड करता है। तो ये थे सारे बेटा किससे रिलेटेड, ये आपके सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज थी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी, जिसके अंदर एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड आपको सारा बताया गया है। नेक्स्ट आता है बेटा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर देखिए, जो हमने दो पार्ट पढ़े थे, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी आती हैं, तो मिनरल बेस्ड में देखिए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स, जिसके अंदर मिनरल्स और मेटल्स को रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। अब इसके अंदर देखिए बेटा कौन कौन सी आती हैं, तो सबसे फर्स्ट आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। आयरन और स्टील जो हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर आती हैं, तो ये हैवी तीन प्रकार की होती है, हैवी, मीडियम और लाइट, ये तीनों ही, तो इसके अंदर तीनों प्रकार की मशीनरी यूज़ होती हैं। तो जो चीज़ प्रोडक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर बड़े बड़ी मशीनें बनानी तो उसके लिए क्या हैवी स्टील की ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है, छोटी चीज़ें बनानी तो उसके लिए मीडियम या लाइट चीज़ों की आवश्यकता होती है। स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ वैरायटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल,
ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको क्या है आयरन और स्टील के द्वारा तैयार किया जाता है। कहने का अभिप्राय बेटा, हमारी डेली लाइफ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं क्या हैं, वो बिना आयरन और बिना स्टील के नहीं तैयार नहीं हो सकती। इन दोनों ही चीज़ों का हमारी लाइफ के अंदर बहुत अधिक महत्व पाया गया है, बहुत अधिक मात्रा के अंदर क्या है स्टील और आयरन को बहुत अधिक मात्रा के अंदर यूज़ किया जाता है। ये सारा इसका डाटा दिखाया गया है। देखिए बेटा, ये कि प्रोडक्शन इन मैट्रिक टन्स बाय, मतलब कितना प्रोडक्शन 2013-14 में इतना था, फिर 14-15-16-17 और 17-18 के अंदर इतना, मतलब कभी कम हुआ है कभी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन हुआ है। तो इस प्रकार ये पूरा आपको डाटा इसके अंदर दिखाया गया है। और इसके अंदर जो रेशियो रहता है वो 4:2:1 रेशियो रहता है। किसके अंदर? सम क्वांटिटीज ऑफ मैगनीज आर ऑल्सो रिक्वायर टू हार्डन द स्टील। स्टील के अंदर बेटा जब मैगनीज मिलाई जाती है तो वो अलग अलग रेशियो के अंदर मिलाई जाती है, कि वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी मटेरियल क्या चीज़ हम तैयार कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर मैगनीज इंक्लूड की जाती है, मिलाई जाती है। ओके, आगे देखिए बेटा। अब देखिए ये क्या दिखाया गया है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। तो देखिए ये पूरा इसका प्रोसेस बताया गया है कि जब स्टील को तैयार किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो देखिए सबसे फर्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट। इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट करना, देखिए क्या बताया गया है, कच्चे माल का जो कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसे क्या है बेटा कहाँ ले जाया जाता है, परिवहन मतलब कारखानों तक परिवहन के द्वारा, या मार्केट उसको मटेरियल को कारखानों तक या इंडस्ट्रीज तक पहुंचाया जाता है। आयरन ओर इज मेल्टेड, अब यहाँ पर क्या है जो लोह अयस्क है, आयरन ओर है, उसे क्या है गलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है। लाइमस्टोन इज मिक्स फ्लुक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, अब इसके अंदर क्या है लाइमस्टोन चूना पत्थर जिसे कहा जाता है उसे इसमें मिक्स किया जाता है। स्लैग इज रिमूव्ड, इसके अंदर से क्या है जो इसका मैल होता है, गंदगी होती है, उसको हटा दिया जाता है। कोक इज बर्न्ड टू हीट द ओर, अब इसके अंदर इस अयस्क को या इस आयरन ओर को गर्म करने के लिए इसके अंदर कोक को ईंधन के रूप में इसको इसके अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए बेटा, पिग आयरन जिसे कहा जाता है, इसमें क्या होता है मोल्टन मटेरियल्स पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स, अब इसके अंदर जो पिघला हुआ जो ये मोल्ड मतलब पिघला हुआ जो मटेरियल होता है, लिक्विड जो मटेरियल, उसे मोल्ड के अंदर या ढांचों के अंदर बड़े बड़े मोल्ड के अंदर डाल दिया जाता है। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है स्टील मेकिंग, अब देखिए इससे स्टील बनती है। पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाई मेल्टिंग एंड ऑक्साइडिंग द इम्प्योरिटीज़, अब जो ये मटेरियल हमने मोल्ड के अंदर डाला था उसे फिर से मेल्ट किया जाता है, फिर से गर्म किया जाता है, और उसके अंदर से क्या है इम्प्योरिटीज़ जो गंदगी होती है उसको बिल्कुल हटा दिया जाए, बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। मैग्नीज निकिल कोरियम आर एडेड, अब इसका मैग्नीज निकिल और कोरियम इन सब चीज़ों को मिलाकर इसे बिल्कुल एकदम क्लीन किया जाता है। और लास्ट आता है शेपिंग मेटल, रोलिंग प्रेसिंग कास्टिंग एंड फॉर्गिंग, और इन अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा इन्हें इसके अंदर क्या है मेटल को शेप दिया जाता है, अलग अलग प्रकार की शेप को के अंदर इसे परिवर्तित किया जाता है। ये क्या था बेटा प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील की, किसी जो स्टील जो है उसके द्वारा क्या है प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से उसे तैयार किया जाता है। ये आयरन और स्टील के प्लांट्स बताए गए बेटा, भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर आयरन और स्टील के प्लांट्स लगाए गए हैं। ओके बेटा, आगे अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जो देखिए जो मैंने आपको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मैंने आपको जो डेफिनेशन लिखवाई थी, इन 1950 चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील, 1950 के अंदर चाइना ने भारत ने लगभग सेम क्वालिटी के अंदर सेम क्वांटिटी में स्टील प्रोड्यूस किया था, लेकिन आज चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, लेकिन आज क्या है जो चाइना है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका स्टील का। चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, और चाइना क्या है सबसे बड़ा कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता भी है, वो सबसे ज़्यादा बनाता भी है और सबसे ज़्यादा उसका यूज़ भी करता है। भारत के अंदर देखिए बेटा, छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन हैज़ द मैक्सिमम ऑफ आयरन एंड स्टील, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वहाँ पर क्या है सबसे अधिक आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं। ये देखो मैं आपको मैप के अंदर दिखा रही हूँ, अभी हमने जो मैप देखा था मैप के अंदर देखिए, ये जो ये वाला एरिया है बेटा, देखिए ये वाला जो एरिया है वो यहाँ पर, ये जो ये एरिया यहाँ पर है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो इस एरिया के अंदर क्या सबसे अधिक आयरन और स्टील की जो कंपनियाँ इंडस्ट्रीज है वो सबसे अधिक यहाँ पर लगाई गई हैं।
ओके बेटा, ये था, ये किसका था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। अब देखिए इसका ना कुछ पॉइंट्स और आ रहे हैं। वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हमारे इंडिया के अंदर स्टील का प्रोडक्शन होना चाहिए बट हो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्यों है? 1950 तक तो क्या है, हमारा भारत और चाइना एक थे, लेकिन उसके बाद चाइना आगे निकल गया, तो उसके अंदर क्या कमी रह गई थी? तो इसके लिए क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, जो लेबर है वो लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो लेबर है वो प्रोडक्शन पूरा नहीं, मतलब लेबर कम है हमारे पास, इरेगुलर सप्लाई एनर्जी की इरेगुलर सप्लाई हो रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुअर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इस चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही हैं, और यही रीज़न है कि क्या है, हम इस चाइना हमसे आगे निकल गया है। ओके बेटा, अब देखिए आगे क्या आता है, नेक्स्ट एडिंग आती है बेटा एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के अंदर देखिए, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग में देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में देखिए, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज इट्स सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। इट इज़ लाइट, रेसिस्टेंट टू कोरोजियन, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेलिएबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर मेटल्स। जो एल्यूमिनियम है क्या बेटा, बहुत हल्का होता है, हीट का कंडक्टर होता है, और जब इसे दूसरे मेटल के साथ मिलाया जाता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो उसको, इसके लिए इसको क्या है, एयरक्राफ्ट, जो एरोप्लेन है, यूटेंसिल्स बर्तन में और वायर्स के अंदर इसे बनाने में इसे यूज़ किया जाता है। एंड इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लीड इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। और इसे क्या है, जब इन सब चीज़ों के साथ मिलाया जाता है तो क्या ये बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग बन जाता है। वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बट इन सब चीज़ों के साथ मिलकर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर लगाए गए हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लगाए गए हैं। ओके बेटा, आगे देखिए, बॉक्साइट। बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर्स इज वेरी बल्की। बहुत बड़ी मात्रा में बॉक्साइट को यूज़ किया जाता है एंड डार्क रेडिश कलर्ड रॉक। और इसका जो कलर होता है बिल्कुल डार्क रेड, चट्टान जैसा होता है। ओके, ऊपर जो फ्लो चार्ट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसमें बताया गया है, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मिनिमम कॉस्ट आर टू प्राइम फैक्टर्स फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, आगे देखिए बेटा इसके अंदर, तो ये देखिए बेटा इसका प्रोसेस दिखाया गया है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। ये आपको इसको अच्छे से देखना है, अच्छे से रीड करना है ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। ओके, नेक्स्ट हेडिंग देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या आती है हमारी, केमिकल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हेडिंग आती है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में देखिए, केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। हमारे भारत के अंदर जो केमिकल इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है, ग्रो कर रही है। केमिकल होता है बेटा उर्वरक, जो उर्वरक खेतों के अंदर, सॉरी रसायन, जो केमिकल होता है रसायन जो यूज, तो इस रसायन के अंदर क्या है, हमारा भारत बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और बहुत लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसके अंदर लार्ज और स्मॉल दोनों स्केल के ऊपर क्या है, इसमें मैन्युफैक्चर किया जाता है। और जो रैपिड जो ग्रोथ हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर के अंदर हो रही है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड, इनऑर्गेनिक में सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए इन ऑर्गेनिक में कौन कौन से केमिकल्स आते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक एडहेसिव्स, पेंट्स, नाइट्रिक एसिड, सोडा ऐश, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में आती हैं। ओके बेटा, आगे देखिए, इन सल्फ्यूरिक में ग्लास, सोप्स एंड डिटर्जेंट, पेपर, कास्टिक सोडा, ये सारी इन सल्फ्यूरिक में आती हैं। अब आगे देखिए, ऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ्स, ड्रग्स एंड और ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ में देखिए,
नेक्स्ट हेडिंग है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज. फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज कंसेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स. जो ये कृषि के अंदर, खेतों के अंदर जो फर्टिलाइजर्स उर्वरक यूज़ किए जाते हैं उनको भी इंडस्ट्रीज के अंदर ही तैयार किया जाता है. तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड एमोनिया फॉस्फेट. ये सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर तैयार किए जाते हैं. और जो थर्ड जो मेन है वो क्या है, पोटाश. थर्ड जो मेन पोटाश, इसका भी क्या है, इसका इम्पोर्टेड एज द कंट्री, इसका क्या है, हमारे भारत से इम्पोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है. और आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के बाद द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री. हरित क्रांति के बाद बहुत तेज़ी से इसके अंदर विकास हुआ है. इसमें गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, इन सब के अंदर क्या है, यहाँ पर फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्रीज है वो तैयार की गई हैं. इन सभी के अलावा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, यहाँ पर भी क्या है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज को तैयार किया गया है, लगाया गया है. ओके, आगे देखिए बेटा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट हेडिंग आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में देखिए, सॉरी बेटा, एक सीमेंट इंडस्ट्री रह गया बीच में, सीमेंट इंडस्ट्री देखिए. नेक्स्ट हेडिंग आती है सीमेंट. तो जो सीमेंट है बेटा वो घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, ब्रिज बनाने में, रोड, एयरपोर्ट, डैम, हर प्रकार की जो चीज़ें बनाई जाती हैं, कमर्शियल यूज़ होती हैं, वो सब उन सभी चीज़ों का क्या है, सीमेंट का उपयोग किया जाता है. बिना सीमेंट के क्या है, कोई भी मकान, दुकान या कोई भी किसी भी प्रकार की बिल्डिंग को हम खड़ा नहीं कर सकते. तो उसके अंदर क्या है, उसके लिए सीमेंट की बहुत अधिक मात्रा के अंदर आवश्यकता होती है. तो भारत के अंदर जो सबसे पहली सीमेंट प्लांट लगाया गया था वो कहाँ लगाया गया था, चेन्नई में 1904 के अंदर, 1904 में सबसे पहला सीमेंट का प्लांट लगाया गया था. और जो सीमेंट इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी हैज फाउंड द प्रोड्यूस आर रेडली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट इंडिया, ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड साउथ एशिया. इन यहाँ पर क्या है, हमारे भारत की जो सीमेंट है उसकी बहुत अधिक डिमांड होती है. नेक्स्ट है बेटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देखिए क्या क्या आता है. ऑटोमोबाइल होते हैं जो ये जो मोटरसाइकिल उद्योग जो होते हैं, जो मोटरसाइकिल उद्योग है वो ऑटोमोबाइल कहलाते हैं. तो इसमें देखिए, ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड पैसेंजर्स. जैसे ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर और बहुत सारे जो जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी वो भी क्या है, कहाँ बनते हैं, वो भी इंडस्ट्रीज के अंदर बनते हैं. तो ये हैवी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं सारे. तो जो इंडस्ट्रीज, इसके लिए इंडस्ट्रीज जो लगाई गई हैं वो कहाँ कहाँ पर लगाई गई हैं, ये देखिए, ऑटोमोबाइल की लोकेटेड इन दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु. इन सारे एरियाज के अंदर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं. ओके, नेक्स्ट आता है बेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. आईटी और इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ पर लगाई गई हैं. तो इलेक्ट्रिक, बिजली से चलने वाले जितने भी यंत्र हैं वो सारे इसमें आते हैं. जैसे टेलीफोन, सेलुलर फ़ोन, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर एंड मैनी अदर इक्विपमेंट्स. ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, जो आईटी के अंदर और इलेक्ट्रिकल के अंदर आती हैं. ये सारी चीज़ें भी कहाँ तैयार होती है बेटा, इंडस्ट्री में तैयार होती है. तो इसकी इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ लगाई गई हैं, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ और कोयम्बटूर, यहाँ पर क्या है. और इसके अलावा मेजर जो इंडस्ट्रीज है वो बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे के अंदर लगाई गई है. जहाँ जिसके द्वारा क्या है, जिसको बड़ी बड़े जो इलेक्ट्रिकल जो आइटम्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं. ओके, आगे देखिए बेटा, अब ये सारा हो गया हमारा इंडस्ट्री से रिलेटेड. अब आगे आता है, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड था बेटा, ये हमने सारा इसमें डिस्कस कर लिया है. अब जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं. आई होप बेटा आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे. ओके, थैंक यू बेटा.